हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? देख रहे हो मेरा चैनल एग्जाम थिंकिंग, और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म। आप जानते होंगे कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो या किसी का हो, अगर उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म, कंप्यूटर के से संबंधित फुल फॉर्म अवश्य पूछी जाती हैं। इसलिए हम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म को याद करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। पहली फुल फॉर्म है सीपीयू। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और सीएडी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट करते हैं आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन है। सॉरी, इसमें रीडर नहीं है, इसमें रिकॉग्निशन है, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अगली फुल फॉर्म ये रैम मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी है रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अगली नेक्स्ट है MAN की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MODEM की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। अगला HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है नेक्स्ट WWW वर्ल्ड वाइड वेव। अगला है IBM। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है ALGOL अलगोल। अलगोल की फुल फॉर्म होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला है ASCII ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला फुल फॉर्म है CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है COBOL की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है BASIC की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है COMAL COMAL की जो फुल फॉर्म होती है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला है क्लास की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। अगला है DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है DTS की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप सिस्टम। अगला है ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला है एनईएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है फोर्ट्रान की जो फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला है फैक्स की फुल फॉर्म होती है फार अवे जेरोक्स। अगला है लोगो की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपको अगर ये पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हम आगे बढ़ते हैं। अगला है HILL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और नेक्स्ट है HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। अगला है ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और एक अगला है स्नोबॉल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है वीडीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज। अगला है कैप्चा
कैप्चा, तो आप कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें तो आता ही है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। अगला है सी डॉट। सी डॉट की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अगला है सी डी एम ए। सी डी एम ए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला है क्लास। क्लास की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। अगला है सी एन ए। सी एन ए की फुल फॉर्म होती है कन्वर्ज्ड नेटवर्क अडेप्टर। अगला है डी एस एल। डी एस एल की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स। अगला है डी टी पी। डी टी पी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। अगला है जी पी आर एस। जी पी आर एस की फुल फॉर्म होती है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। अगला है जी टी एल डी। जी टी एल डी की फुल फॉर्म होती है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। अगला है एच टी एम एल। एच टी एम एल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है आई ए एन ए। आई ए एन ए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। अगला है आई सी ए एन एन। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स। अगला है आई टी यू। आई टी यू की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। अगला है आई ओ एस। आई ओ एस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म होती है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आई एस एच। आई एस एच की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। अगला है एल डी यू। एल डी यू की फुल फॉर्म होती है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। अगला है एल आई एस पी। एल आई एस पी की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला है एल टी ई। एल टी की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन एवोल्यूशन। अगला है एम आई पी एस। एम आई पी एस की फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला है एम ओ पी एस। एम ओ पी एस की फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। एम आई पी एस में इंस्ट्रक्शन आती है और एम ओ पी एस में ऑपरेशंस आती हैं, तो सेम एब्रीविएशन है। अगला है एन ए एस। एन ए एस की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। अगला है एन आई सी एन ई टी। एन ई टी नहीं, निकनेट। निकनेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। अगला है पैन। पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड, पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, पर यहाँ दूसरी पैन है। पैन की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला है पी डी ई। पी डी ई की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है रेट। रेट की फुल फॉर्म होती है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अगला है आर पी जी। आर पी जी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अगला है एस ए एस। सास की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। वी एल एस आई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वी पी एन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वाई मैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अगला है डब्ल्यू एल एल। डब्ल्यू एल एल की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप। XML, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है Y2K, Y2K की फुल फॉर्म होती है ईयर 2000। ZIP, ZIP की फुल फॉर्म होती है जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। अगला है OMR, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और अगला है PCDOS, PCDOS की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है प्रोम, प्रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आरपीजी, आरपीजी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट है मोबाइल, मोबाइल की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड ऑपरेशंस बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। अगला है एपीआरई, एप्रा, एप्रा की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अगला है एबीआई, एबीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। अगला है एडी, एडी की फुल फॉर्म होती है एक्टिव डायरेक्टरी। और वैसे एडी सन को बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एनोडोमनी। अगला है एएसपी, एएसपी की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अगला है बीसीडी, बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है बीजीपी, बीजीपी की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला है
BINEC बिनैक, बिनैक की फुल फॉर्म होती है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है बिट, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। और अगला है BPS, BPS की फुल फॉर्म होती है बिट्स पर सेकंड। अगला है CDAC, CDAC की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। अगला है CD-ROM, CD-ROM की फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी। अगला है CAE की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड इंजीनियर नियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अगला है CAT, CAT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। अगला है CDR, CDR की फुल फॉर्म होती है CD रिकॉर्डेबल। और CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है DLI, DLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। अगला है CRT, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अगला है CT, CT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अगला है CTL, CTL की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक। अगला है CVA, CVA की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूजर एक्सेस। अगला है EVC, DIC इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला है EDU, EDU की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड डाटा आउट। अगला है EUC, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड यूनिक्स कोड। FS की फुल फॉर्म होती है फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है FTP, FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है GAIS, इसकी फुल फॉर्म होती है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। अगला है GB की फुल फॉर्म होती है गीगा बिट। अगर GB यानी B कैपिटल हो तो इसकी फुल फॉर्म होती है गीगा बाइट। अगला है HTTP, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है IP, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है IU, IU को फुल फॉर्म होती है इनपुट आउटपुट। अगला है IT, IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है GDS, GDS की फुल फॉर्म होती है जावा डेस्कटॉप सिस्टम। अगला है GMS, GMS की फुल फॉर्म होती है जावा मैसेज सर्विस। अगला है GNI, GNI की फुल फॉर्म होती है जावा नेटिव इंटरफेस। अगला है JSON, JSON की फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अगला है JSP, इसकी फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर पेज। अगला है KB, बी इनमें स्मॉल है, इसकी फुल फॉर्म होती है किलो बिट। KB अगर बी कैपिटल है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती किलो बाइट। अगला है LCD, LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है MANET, इसकी फुल फॉर्म होती है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। अगला है MB, MB की फुल फॉर्म होती है मेगा बाइट। अगला है NOS, NOS की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है NTP, NTP की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अगला है OMR, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला है PSITN, इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अगला है PSPDN, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क। अगला है PING, इसकी फुल फॉर्म होती है पैकेट इंटरनेट ग्राफर। अगला है PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है QDR की फुल फॉर्म होती है क्वाड डाटा रेट। अगला है QFP, इसकी फुल फॉर्म होती है क्वेटेड फॉर परमानेंस। अगला शुरू करते हैं QoS, QoS की सर्विस होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगला है RABMN की फुल फॉर्म होती है रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। अगला है SAN की फुल फॉर्म होती है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अगला है SAX की फुल फॉर्म होती है सिंपल API फॉर XML। SBB की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड बिल्ट यूनिट। अगला है SDL की फुल फॉर्म होती है सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर। अगला है SDR की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। अगला है SQL, इसकी फुल फॉर्म होती है
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला है TCP, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है UAC, UAC की फुल फॉर्म होती है यूजर अकाउंट कंट्रोल। अगला है URL, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है URN, URN की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। अगला है USB, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है VFS, VFS की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल फाइल सिस्टम। अगला है VGA, VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरेज। अगला है VLAN, VLAN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है VOD, VOD की फुल फॉर्म होती है वीडियो ऑन डिमांड। अगला है WAFS, वाइड एरिया फाइल सर्विसेज। अगला है वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। अगला है WMA की फुल फॉर्म होती है विंडोज मीडिया ऑडियो। अगला है WOL, वॉल की फुल फॉर्म होती है वेक ऑन लैन। अगला है WM, बॉम की फुल फॉर्म होती है वेक ऑन मोडेम। अगला है WPA की फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटोकॉल एक्सेस। अगला है WWAN, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है WWID, वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर। अगला है XNS की फुल फॉर्म होती है जेरोक्स नेटवर्क सर्विसेज। अगला है ZIFS, जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट। अगला है ZISC, इसकी फुल फॉर्म होती है जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगला है ZMA की फुल फॉर्म होती है जॉन मल्टीकास्ट एड्रेस। अगला है MICR है, जो एक इनपुट डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अगला है ICDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल ट्रांसमिशन। अगला है WAP, जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला है GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है MPEG, जिसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग या मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है SMPS, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है NIC, निक की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला है HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगला है XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला है XHTML, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला है PHP, इसकी फुल फॉर्म PHP नहीं दिया है, और ये जावास्क्रिप्ट। अगला है ECS, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला है GIF, GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला है IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। अगला है SIM, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला है DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। अगला है SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला है SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। और एक और होता है MMS की फुल फॉर्म होती है मल्टीमीडिया सर्विस। अगला है UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला है USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है SWAN, SWAN, SWAN की फुल फॉर्म होती है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है RDBMS, इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है WLL की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप। अगला है वायरस की फुल फॉर्म होती है वेटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला है WEP, वेब की फुल फॉर्म होती है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला है ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। अगला है CVV, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला है DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। हेलो दोस्तों, तो ये आपको कैसी लगी एब्रिविएशन? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।